हेलो स्टूडेंट्स, आइए ट्रांसलेशन के एक दूसरे पार्ट में चलते हैं जहां हमने ट्रांसलेशन यूज ऑफ देयर, जब आप हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनाते हैं उसमें कुछ प्रोसेस को अपनाना आवश्यक होता है और ये प्रक्रियाएं आपको फार्मूला के माध्यम से समझाई जाती हैं। कब किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए ये आपको फार्मूले में दिखाया जाता है। यहाँ मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी है, उसे आप ध्यान से देखें। हमने यहाँ लिखा है यूज ऑफ देयर। देयर देयर के बारे में पहले जाने कि देयर एक ऐसा शब्द है जो इंट्रोडक्टरी के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी किसी भी वाक्य में परिचय बताने के लिए या परिचय देने के लिए इस जो है देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जब इसका प्रयोग देयर के रूप में किया जाता है या सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग किया जाता है तो इसमें आपको यह ध्यान देने की जरूरत है कि इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं निकलता। आप इसे देयर का, जैसे देयर का आप हिंदी अर्थ वहां समझते हैं, वहां के लिए देयर का जो प्रयोग होता है वो एडवर्ब के रूप में होता है, और जब आप यहाँ सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, इंट्रोडक्टरी के रूप में सब्जेक्ट के रूप में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं निकलता है। यह किसी सेंटेंस में वहां अलग से आ जाए और देयर का भी प्रयोग करना है तो एक देयर सब्जेक्ट के स्थान पर दूसरा देयर वहां के लिए प्रयोग करना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने दिया है, रूल दिया है, इसे आप ध्यान से देखें। सबसे पहले तो आप ये समझें कि देयर का प्रयोग कब किया जाता है, किस सेंटेंस में किया जाता है। जब किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में किसी व्यक्ति वस्तु का कहीं पर होना या ना होना पाया जाए तो वहां सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग होता है, पहले आपको यह ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद अब वो जो सेंटेंस आपके सामने हिंदी में रखा हुआ है वो किस सेंटेंस में है। ट्रांसलेशन बनाते समय आप कुछ सेंटेंस अपने दिमाग में रखें कि जो भी ट्रांसलेशन का सेंटेंस आपके सामने होगा या तो वो अफर्मेटिव का होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, या तो वो नेगेटिव सेंटेंस में होगा, या तो इंट्रोगेटिव में होगा। इसको भी अलग अलग पार्ट में करके देखें तो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं या कभी नहीं वाले वाक्य बनते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या से शुरू होने वाले या फिर क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य बनते हैं। इनका मैं अलग अलग फार्मूला यहाँ पर लिखूंगा। पहले आप यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस को समझें कि यदि कोई भी वाक्य ऐसा है जो जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का होना या न होना पाया गया हो और वो अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको सबसे पहले देयर लिखना होगा, क्योंकि देयर ही इस वाक्य का सब्जेक्ट होगा, इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। ढूंढने पर तो आपको दूसरा सब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन आपको दूसरा सब्जेक्ट नहीं लगाना है यदि ये सेंस है कि कहीं किसी का होना पाया जा रहा है, तो वहां पर सब्जेक्ट होते हुए भी उसके स्थान पर देयर का ही प्रयोग करना चाहिए। ये ग्रामर के नियम को आपको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद टेंस आप ध्यान देंगे, जरूर कोई भी वाक्य होगा वो किसी न किसी टेंस में होगा। टेंस में होगा तो उसकी एक हेल्पिंग वर्ब होगी और उसका एक मेन वर्ब होगा। अब वो टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा। जैसे एक सेंटेंस, यहाँ पर हमने तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, आप पहला सेंटेंस लीजिए। जैसे एक राजा था, किसी भी कहानी वगैरह का आप जब पढ़ते हैं या उसको अनुवाद के रूप में रखा जाता है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा सब ऐसे सेंटेंस आते हैं, एक राजा था, एक रानी थी, एक जंगल में एक शेर रहता था, लाइक दिस। तो इस तरह से ये क्या है, एक राजा का परिचय करवाया जा रहा है, इसका इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है। इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में आप हमेशा जो है सब्जेक्ट देयर का ही प्रयोग करेंगे। अब था, थाते थी के लिए आपने यूज ऑफ वर्ब टू भी पढ़ा, पीछे वीडियो है आप उसे देख सकते हैं। थाते के लिए वाज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब ये वाज या वर्ब, सबसे महत्वपूर्ण चीज समझना यह है कि जब हम यहाँ वाज या वर्ब का प्रयोग करेंगे इस सेंटेंस में देयर के साथ तो क्या देयर को हम समझ पाए कि देयर के साथ वाज लगाए कि वर्ब लगाए, क्योंकि देयर तो ये सिंगुलर और प्लूरल डिफाइन नहीं कर सकता। फिर इसमें एक अलग सब्जेक्ट होता है, आपको ये समझना है कि इसमें एक अलग सब्जेक्ट होता है, भले ही वो सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं है लेकिन वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो देयर के साथ प्रयोग होने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा उस सब्जेक्ट के अनुसार होगा जो दूसरा है, उसे भी ढूंढना पड़ेगा आपको। जैसे एक वचन का होगा तो वाज का प्रयोग, बहुवचन का होगा तो वर्ब का प्रयोग करना होगा। जैसे यहां देखें, एक राजा था, तो यहाँ कौन था, सब्जेक्ट को ढूंढने का सबसे आसान तरीका हिंदी में कि आप किसी भी सेंटेंस में कौन से लगाकर प्रश्न पूछें तो उसमें आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। और इसके लिए
या तो अंग्रेजी में कोई सेंटेंस है तो वो से क्वेश्चन कर लीजिए, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। और सब्जेक्ट मिल भी गया तो अब आपको रूल ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट तो मिला लेकिन उसे सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर इस व्यक्ति का होना या ना होना पाया गया या होना पाया गया तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, फिर भी हम इसे सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं रखेंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पर देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे इसी को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देयर, और अब यहाँ वाज या वर लगाना है तो देयर के साथ एक राजा की बात हो रही है इसलिए यहाँ वाज का प्रयोग। यानी जब भी क्रिया प्रयोग की जाएगी तो उसका सब्जेक्ट एक राजा समझा जाएगा, प्रयोग किया जाएगा देयर और सब्जेक्ट समझा जाएगा एक राजा, देयर वाज ए किंग। इसी के स्थान पर यदि कोई प्लूरल वर्ड होता कि एक, जैसे इस कक्षा में 10 बालक थे, ये सेंटेंस देखें, इस कक्षा में 10 बालक थे, कौन थे, 10 बालक, यानी यहां क्लियर है कि ये 10 बालक ये सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी इनका होना या ना होना कक्षा में पाया गया। तो इसको जब भी बनाएंगे आप तो ये ध्यान देंगे यहाँ सब्जेक्ट देयर ही होगा, लेकिन देयर के साथ आने वाली जो क्रिया होगी वो इसके अनुसार चलेगी। यानी अब यहां पर लिखेंगे देयर वर 10 बॉयज इन दिस क्लास, ओके। इसी तरह यहां हमने रखा है, जैसे एक सेंटेंस है, नेक्स्ट देखिए, आकाश में बादल हैं, तो बादल हैं, बादल बट के हैं, कई तरह कई टू हैं, बादल के ग्रुप हैं, तो अब आप इसको लिखेंगे तो देयर आर, क्योंकि है के लिए इज एम आर, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, ये इस तरह से आगे देखें। इस गांव में एक गुड़िया रहती थी, यहां जो है ताथा तीथी तेथे, अभी टेंस का पार्ट आपको मिलेगा उसमें आप देखेंगे ताथा तीथी तेथे या था इति ये थे या ये ई, ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो टेंस की प्रक्रिया तो चलेगी, लेकिन यहां बुढ़िया का होना पाया गया गांव में, इसलिए यहां पर जो है ये सब्जेक्ट होते हुए भी यहां प्रयोग किया जाएगा देयर। और रहती थी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब फर्स्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, इसलिए आप यहां लिव लिखेंगे, देयर लिव्ड एंड ओल्ड वुमन कहां, इस गांव में, इन दिस विलेज, ठीक है। इस तरह से आप इसको देखें कि इसमें सब्जेक्ट कोई और है लेकिन प्रयोग देयर होता है, क्रिया प्रयोग होगी तो उसके अनुसार, जो प्रयोग नहीं हो रहा है। तो यहां पर थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की जरूरत है, इसे और ध्यान से समझें और सही ढंग से इसका प्रयोग करें। इसी तरह ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल मैंने दिया, अब आपको जो है इंट्रोगेटिव का भी रूल देता हूं, नेगेटिव का भी रूल देता हूं, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। यहां पे आप नेगेटिव सेंटेंस ले लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य का रूल हो जाएगा पहले आपको देयर ही लेना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है, है तो हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगना है इसको, ये आप हमेशा ध्यान दें कि जब भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात हो वो हमेशा जो है टेंस के अनुसार चलता है। तो देयर के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर यहाँ पर नॉट या इसके स्थान पर कभी कभी नो का भी प्रयोग किया जाता है, यहाँ आपको इसे समझने की जरूरत है इन दोनों में अंतर क्या है, नो का भी प्रयोग होता है। फिर उसके बाद आप मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब ले लीजिए,
फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को यहाँ पार्ट कर दूं, नहीं आप कंफ्यूज रहेंगे, अफर्मेटिव लिख दिया गया था पहले से, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स होगा। जैसे इसको समझना हो तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि इस कक्षा में पांच लड़कियां नहीं थी, या इस कप में चाय नहीं थी। ये दोनों सेंटेंस देखिए, क्लियर हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो यहां सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा देयर, देयर वर नॉट। यहां नॉट क्यों लगाएंगे ये आप समझें, जब यहां संख्या दी गई हो तो आप नॉट लगाइए, संख्या नहीं दी गई हो तो नो लगाइए। सीधा सीधा क्लियर हो गया, नॉट और नो में अंतर क्या है ये भी आप जाने। नॉट यानी नहीं और नो यानी कोई नहीं, नॉट प्लस एनी इक्वल टू नो। नॉट के साथ जब नो जुड़ता है, नॉट प्लस एनी जुड़ता है तब वो नो बनता है। तो जहां जो है ये संख्या न दी गई हो वहां नो का प्रयोग करिए, जहां संख्या दी गई हो वहां नॉट का प्रयोग करिए। तो देयर आर नॉट फाइव गर्ल्स इन दिस क्लास। ओके, इसी तरह इस कप में चाय नहीं थी तो देयर वाज नो टी। अब यहां नो लगा दिया मैंने क्योंकि यहां पर जो है कोई संख्या नहीं है, इसलिए आप लिख सकते हैं देयर इज नो टी इन दिस कप। इसी तरह आप प्रयोग करें, जब संख्या दी हो तो नॉट, संख्या ना दी हो तो नो का प्रयोग करते हैं। इसी तरह आप अगला फार्मूला यहां पर इंट्रोगेटिव का लिख लीजिए, इंट्रोगेटिव। बाकी सारे फार्मूले एक ही तरह होते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिनको आपको देखना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाइए तो इसमें पहला रूल आपको मैंने बताया है कि हिंदी से अंग्रेजी बनाइए इंट्रोगेटिव को। देखिए कि दो तरह के वाक्य होंगे, एक तो क्या से शुरू होता है जो यस या नो टाइप का क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन वर्ड वाला होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि पहला रूल बनेगा कि यहां आप लिखिए हेल्पिंग वर्ब जो क्या से शुरू होते हैं, मैं लिख दूं यहां पर ताकि आपका सेंस क्लियर रहे। जो वाक्य हिंदी में क्या से शुरू हो रहे हो मैं इसे मिटा दे रहा हूं ताकि ये पूरा ओपन रहे, किसी तरह कंफ्यूजन ना हो। तो जब आप क्या से शुरू होने वाले वाक्य को बनाएंगे तो इसका रूल होगा, पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए, फिर उसके बाद देयर का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब है तो उसको लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर्स लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, अफर्मेटिव के सेंटेंसेस में फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलें, नेगेटिव में भी फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोनों सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। दूसरा रूल इसमें हो जाता है आपका प्रश्न सूचक शब्द वाले वाक्यों का। प्रश्न सूचक शब्द आपको बताया था मैंने, जिसमें प्रश्न सूचक शब्द कौन से शब्द होते हैं, डब्लू टैग वाले, डब्लू फैमिली वाले, कब क्यों कहां कैसे हिंदी में, और अंग्रेजी में उन्हें डब्लू टैग कहते हैं, व्हाट वेयर व्हेन व्हाई एटसेट्रा। तो इनको जब भी ये आ जाते हैं किसी सेंटेंस में तो इनको क्वेश्चन वर्ड के रूप में सबसे पहले आप रखिए, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखिए, फिर देयर का प्रयोग करिए, फिर मेन वर्ब लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स का प्रयोग करिए। ये फार्मूला है, इसको आप देखें, इससे रिलेटेड भी आप एग्जांपल्स हल कर सकते हैं बुक्स से। अब तो आपका कॉन्सेप्ट मैक्सिमम क्लियर हो गया है, मैं समझता हूं कि आप सभी को ये रूल समझ में आया होगा। आप सभी अपनी अपनी एक्सरसाइज बुक में लगें और एक्सरसाइज जरूर हल करें, ट्रांसलेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज। अभी इट और देयर का प्रयोग ग्रामर के
पार्ट में आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट का वीडियो बन रहा है, उसमें भी आएगा, उसे भी आप समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ यह उम्मीद करते हुए कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रही होगी, आप सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मैं मेरा एक नया प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए YouTube के रूप में प्रस्तुत रहे, मैं अपनी नई वीडियोज आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक।